डिजिट्स ऑफ अ पॉलीनोमियल। इससे पहले हमने जीरोस पढ़े थे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस पढ़ा था। जीरोस को एक बार रिवाइज कर लेंगे। जीरोस क्या है? एक्स की वो वैल्यू जहां पे हमारे पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरोस। सेकंड टर्म क्या आ रहा है? कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? द कांस्टेंट टर्म अलोंग विद वेरिएबल आर कॉल्ड कोफिशिएंट। वो नंबर या वो कांस्टेंट टर्म जो हमारे वेरिएबल के साथ आती है उन्हें बोला जाता है कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल px इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो हियर वेरिएबल इज x और ये जो 3 टर्म जो कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ आ रही है ये कहलाएगा आपका कोफिशिएंट। और ये किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट ऑफ x। सिमिलरली दूसरा पॉलीनोमियल हम देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 इज कोफिशिएंट ऑफ x। हमने पॉलीनोमियल्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे जैसे कि लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और क्यूबिक पॉलीनोमियल। अब हम उनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे जीरोस का और उनके बीच आने वाले कोफिशिएंट्स का। नाउ वी हैव लीनियर पॉलीनोमियल जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म है हमारे पास px इज इक्वल टू ax प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये कंडीशन हम क्यों लिखते हैं a नॉट इक्वल टू 0? अगर यहाँ पे a 0 हो गया तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ पे पॉलीनोमियल हमारा कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल बन जाएगा। तो फॉर फाइंडिंग जीरोस px शुड बी इक्वल टू 0 यानी कि ax प्लस b इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू माइनस b और x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। यहां पे देखिए b जो है b इज अ कॉन्स्टेंट टर्म एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो फॉर अ लीनियर पॉलीनोमियल रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल इज x इज इक्वल टू या जीरो, इसको हम अल्फा भी लिख सकते हैं अल्फा और x इज इक्वल टू आएगा कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। सो नेक्स्ट वी हैव क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा। अगर अल्फा बीटा दो जीरो से, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक है डिग्री 2 है तो एटमोस्ट 2 जीरोस होंगे। अल्फा बीटा अगर जीरो है पी एक्स के, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन ए माइनस बी या दिस माइनस है बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड हियर ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए वेयर सी इज द कांस्टेंट टर्म एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ वी हैव क्यूबिक पॉलीनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स। क्योंकि हमारे पास क्यूबिक पॉलीनोमियल की डिग्री 3 होती है तो एटमोस्ट 3 जीरोस होंगे। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द 3 जीरोस, अगर अल्फा बीटा गामा 3 जीरोस है हमारे क्यूबिक पॉलीनोमियल पी एक्स के, तो उसके लिए डिफरेंट रिलेशंस हमारे पास आएंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा is equal to minus b upon a where b is the coefficient of x square and a is the coefficient of x cube. Next relation is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c upon a, c where c is coefficient of x and a is coefficient of x square. Now the last relation is alpha beta into gamma which is equal to minus d upon a where d is the constant term and a is the coefficient of x square. In our next video, we will explain